नमस्कार, मैं गगन आपको अपने यूट्यूब चैनल टेक लेंस में स्वागत करता हूं। तो आज की इस ट्रिकी पावर्स के ट्रिक में हम आपको एक ऐसी ट्रिक बताने जा रहे हैं जिसके जरिए आप अपने माइक्रोफोन के सामने जो बोलेंगे लैपटॉप की, वही आपके साउंड सिस्टम से निकलकर बाहर आएगा, यानी कि आपका ये जो माइक्रोफोन है वो हेडफोन की तरह कार्य करेगा। तो जल्दी से शुरुआत कर देते हैं क्योंकि इस समय हमारे पास कम है, क्योंकि ये 5 मिनट ट्रिक्स है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने आप साउंड नोटिफिकेशन आइकॉन पे आ जाइए, यानी कि जो ट्रे आइकॉन है नोट टास्क बार में, वहाँ पे आपको यहाँ पे साउंड का ऑप्शन दिखेगा। ये देखिए साउंड का ऑप्शन हमारा यहाँ पे दिख रहा है। साउंड का ऑप्शन जैसे ही आपको दिख जाए उस पर आप राइट क्लिक कीजिएगा। राइट क्लिक करते ही आपके सामने वैल्यूम कंट्रोल ऑप्शन, इतने सारे ऑप्शन इनेबल हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको प्लेबैक डिवाइसेस पे क्लिक करना है। उसके बाद जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको 4 1 2 3 4 ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। पहला आ जाएगा प्लेबैक, दूसरा आ जाएगा रिकॉर्डिंग, तीसरा आ जाएगा साउंड, चौथा आ जाएगा कम्युनिकेशन। आपको रिकॉर्डिंग सेक्शन पर क्लिक कर देना है, यानी कि सबसे पहले आपको रिकॉर्डिंग पर जाना है। ये देखिए मैं रिकॉर्डिंग पर आ चुका हूँ। और आपका जो माइक्रोफोन है वो आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगा, जो माइक्रोफोन आप यूज कर रहे हैं इस समय। और साथ ही आपके यहाँ पे डेसिबल हाइट भी दिखनी शुरू हो जाएंगे, कितने तेज़ आप बोल रहे हैं, कितना धीमे। उनका आपको इस पर क्लिक कर देना है। दो बार क्लिक करते ही आपके सामने यहाँ पे माइक्रोफोन प्रॉपर्टीज ओपन हो जाएंगी। अब इसको ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे लिसन पर क्लिक करना है। जैसे ये ओपन हो आपको लिसन पर क्लिक कर देना है। जैसे मैं यहाँ पे लिसन पर क्लिक करता हूँ, उसके बाद यहाँ पे आएगा कि लिसन टू दिस डिवाइस। यहाँ पे आपका साउंड भी दिख सकता है, अगर आपने कोई साउंड सिस्टम यानी कि कोई अन्य डिवाइस कनेक्ट कर रखा है तो आपको वो दिखे। जैसे मैंने यहाँ पे एक साउंड कनेक्ट करके रखा है तो वो दिख रहा है हमारा। तो उसके बाद यहाँ पे आपको उसको चेक कर देना है। तो यहाँ पे आप कर देंगे लिसन टू दिस डिवाइस, उसके बाद यहाँ पे आप ओके कर देंगे। और चलिए मैं आपको अप्लाई करके ओके करके दिखा देता हूँ, जो मैं आपको यहाँ पर बोल रहा हूँ इस समय वही यहाँ पर दिखेगा। तो चलिए देखिए, तो ऐसा आप करके यूज कर सकते हैं। आपने साउंड की सिस्टम्स को आप आवाज़ बनाइए, उसके बाद आप यूज़ कीजिए। अगर आपका फिर से काम नहीं कर रहा तो यहाँ पे लिसन पर जाइएगा, उसके बाद यहाँ पे इसको ऑफ करके फिर से एक बार अप्लाई कर दीजिएगा, ओके कर दीजिएगा। उसके बाद आपका सुनाई देने लगेगा। देखिए मेरा सुनाई दे रहा है यहाँ पर, दो बार आपको सुनाई दे रहा होगा। मैं थोड़ा वॉल्यूम तेज करता हूँ और आप देख सकते हैं। तो इस तरह आप अपने माइक्रोफोन का प्रयोग यूज़ कर सकते हैं अपने हेडफोन की तरह। चलिए आज की ट्रिक कैसी रही आप हमें ज़रूर बताइएगा। कुछ ज़्यादा खास नहीं है, बस लिसन पर जाकर आपको इसको लिसन डिवाइस को फिर ऑफ कर दीजिए अगर आपको काम नहीं है। अगर आप इसको माइक को यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप यूज़ करते रहिएगा, कोई ज़्यादा बात नहीं है। तो चलिए आज की ट्रिक कैसी लगी हमें आप ज़रूर बताइए। अगर आप यहाँ पे दो बार क्लिक नहीं करना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पे प्रॉपर्टी ऑप्शन पे आप क्लिक करके भी इसको खोल सकते हैं। यहाँ पे खोल कर उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे लिसन पर जाना है। लिसन पर जाने के बाद आपको यहाँ पर लिसन टू दिस डिवाइस का ऑप्शन नज़र आएगा, उसको आपको चेक कर देना। और यह ध्यान रहे कि यहाँ पर डिफ़ॉल्ट प्लेबैक डिवाइस पर ये होना चाहिए, अगर नहीं है तो आपको इसको स्क्रॉल करके डिवाइस कर देना है। ओके कर दीजिए यहाँ पर। तो चलिए आज की ट्रिक कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। मैंने आपको प्रैक्टिकल दिखा दिया और एकदम ये डेफिनेट है, 100% वर्क करेगा सभी सिस्टम में, चाहे वो विंडोज़ 10 हो, विंडोज़ 8 हो, विंडोज़ 7 हो। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारे ट्रिकी पावर्स को सब्सक्राइब कीजिए, रोज़ 5 मिनट ट्रिक्स हम आपके लिए लेकर आएंगे, नई वो भी कंप्यूटर की हिडन सेटिंग्स को उजागर करेंगे आपके सामने। तो चलिए आज के लिए जय हिंद जय भारत। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों अपने रिश्तेदारों को भी इस ट्रिक की जानकारी दें जिनके पास लैपटॉप या विंडोज़ पीसी है। तो धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, लेट्स सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक्स अगेन।